Let's now revise the chapter of Competition Act. Competition Act 2002. Competition इस पूरी की पूरी एक्ट में कहीं पे भी डिफाइंड ही नहीं है, तो कॉम्पिटिशन क्या होता है ये हमको जानना जरूरी है, बट हमसे इसके ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता है कि कॉम्पिटिशन वोट मीन बाय कॉम्पिटिशन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पिटिशन, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज कॉम्पिटिशन को डिफाइन ही नहीं किया गया है। वैसे हमें क्या पता है कि कॉम्पिटिशन क्या होती है? अब हम और आप जो कॉम्पिटिशन में एंटर करते हैं, दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब हम और आप और आप, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक राइवलरी। इकोनॉमिक राइवलरी किसके बीच में होती है? बिटवीन द मार्केट प्लेयर्स। ठीक है, मार्केट प्लेयर्स के बीच में कैसी इकोनॉमिक राइवलरी होती है? अगर पेप्सी ने एक चीज निकाली तो कोक दूसरी चीज निकालेगा कि हाँ इसको अट्रैक्ट करना है, इसको अट्रैक्ट करना है, राइट? तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट जो कंपीट करते हैं उसको हम आइडियली कॉम्पिटिशन बोलते हैं। कई बार हमको लगता है कि कॉम्पिटिशन शायद अच्छी चीज नहीं है, बट कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली beneficial for the economy and especially very beneficial for the customers as a whole, right? क्यों customers के लिए beneficial है? आप अगर सोचो, आपके पास, आप दुकान में जाते हो, आपके पास चार शैम्पू रहते हैं, तो आप चार शैम्पूस को compare कर सकते हो, उसकी quality कैसी है, इसका price कैसा है, और उसके बाद वो चीज़ ले सकते हो। अगर आपके पास एक ही शैम्पू अवेलेबल रहेगा मार्केट में और वो रहेगा कि 5,000 रुपये का शैम्पू है, आप सर धोना ही छोड़ दोगे, बोलोगे हम तो कुछ जटाधारी कुछ बन जाएंगे, बट सर कैसे धोए यार, राइट? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो कॉम्पिटिशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इट ऑल्सो हेल्प्स द इनोवेशन टू कम, राइट? तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो और कोशिश करते हैं कि हम और कॉस्ट एफिशियंट प्रोडक्ट को बनाएं, क्वालिटी इम्प्रूव करें, हम इनोवेशन लेके आएं, तो ये इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है और हम कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो अनडाउटेडली देर इज अ नीड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देर आर एम्पल बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट? बट कॉम्पिटिशन हमेशा फेयर मीन से होना चाहिए। अगर फेयर मीन से होता है तो वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इसके पहले भी हमारे पास एक एक्ट हुआ करती थी जिसका नाम है MRTP, राइट? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वो अब रिपील हो चुकी है। वो ज़्यादातर कुछ प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करती थी, मोनोपोलीज को कंट्रोल करती थी। यहाँ पे बोला गया है दैट कॉम्पिटिशन इज हेल्दी, वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन को भी कर्व किया जाता था क्योंकि उनसे जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बोला गया है कॉम्पिटिशन को हम प्रमोट करेंगे, हम कंज्यूमर के हित को भी देखेंगे, हम सबको फ्रीडम देंगे कि आप जो बिजनेस करना चाहें, आप जो ट्रेड करना चाहें, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, आपको वो मौका मिले और आप कर पाए। एंड वी विल प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस विच हैम्पर कॉम्पिटिशन, तो जो गलत प्रभाव डालती हैं, एडवर्स इफेक्ट डालती हैं कॉम्पिटिशन पे, हम उनको प्रोटेक्ट प्रिवेंट करेंगे कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ना हो। ठीक है, नाउ वी हैड सर्टेन स्कीम, हमारे पास सचार कमिटी वगैरह वो सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा अगर अब मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, 9 chapters हैं, 8, then 18, and then 9 chapter। तो इसमें अलग अलग हमको प्रोविजन्स दिए हुए हैं, कुछ प्रिलिमिनरी प्रोविजन्स लास्ट चैप्टर में, कुछ मिसलेनियस प्रोविजन्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 होता है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, abuse of dominant position and the regulation of combination. तो ये 3 चीज़ें हमारे इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, डोमिनेंट पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट? तो इन तीनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। चैप्टर 3 हमारा कहीं ना कहीं आता है अबाउट कमीशन, क्योंकि इसमें कमीशन स्टैब्लिश होती है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है और देखती है कॉम्पिटिशन को। तो उसमें हमारे पास कौन लोग हैं, क्या है उनका कॉम्पोजिशन वगैरह, वो सारी चीजें। सो आफ्टर दैट वी डू नॉट हैव मच ऑफ कंटेंट इन द चैप्टर, हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 है, और हमें एक एक चीज तो पढ़नी नहीं है, तो जितना भी हमें चीजें पढ़नी है उसमें अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 ही आता है, राइट? एक्ट एक्सटेंड्स टू अनडाउटेडली द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, बट हम डायरेक्टली अपने प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे। इफ डेफिनेशन नीडेड तो मैं क्विक रिव्यू आपको डेफिनेशन का करा दूंगी। सबसे पहला जो चैप्टर 2 में आता है, वो सबसे पहली चीज आती है सेक्शन 3, और सेक्शन 3 हमको बोलता है अबाउट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। ये एक्ट प्रोहिबिट करती है उन एग्रीमेंट्स को जो एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। अब एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए हमको पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा एग्रीमेंट क्या होता है। तो अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं, एग्रीमेंट नेसेसरीली डज नॉट मीन कि आप कोई राइटिंग में फॉर्मल एग्रीमेंट कर रहे हो। हमारे बीच में कोई भी समझ हो गई, अरेंजमेंट हो गया, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई, या कुछ भी हमने साथ मिलकर काम कर लिया, एक्शन इन कंसर्ट हो गया, वो राइटिंग में हो, वो ओरल हो, वो लीगल हो, वो इलीगल हो,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम डिसाइड करते हैं, अगर वो सामने वाला बंदा नहीं करता है तो हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, लीगली एनफोर्सेबल होती है। बट मान लो हमने डिसाइड किया कि नहीं हम इसके साथ ऐसा गलत करेंगे, तो वो इलीगल हो गया एक तरीके से, वो अनएनफोर्सेबल हो गया, फिर भी दैट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि दो लोगों ने एग्री किया है, इट नीड नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसको भी हम एग्रीमेंट बोलेंगे ही बोलेंगे। हमारे पास एग्रीमेंट्स दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के? एक होते हैं वर्टिकल और दूसरे होते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब हम सबको पता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, राइट? वर्टिकल मतलब बिटवीन एंटरप्राइजेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में हो सकता है। मैन्युफैक्चरर बोल सकता है कि हम आपको कम प्राइस पे अपने गुड्स देंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। तो भाई उसको पता चल रहा है कि हमको कम प्राइस पे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, चलो इसी को प्रमोट करते हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई है, हमको भी फायदा है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि अगर ये एग्रीमेंट हुआ तो ये कुछ गलत हो गया क्या? तो यूजुअली जो हमारे वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं ये ज्यादातर गलत नहीं होते हैं, पर अगर अगर ये प्रूव हो जाए कि ये ऐसे एग्रीमेंट है विच हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और इनको हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट एंटरप्राइज, देयर कैन बी डिफरेंट एसोसिएशन ऑफ पीपल, देयर कैन बी जस्ट वन पर्सन, देयर कैन बी मोर देन वन पर्सन। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, सप्लाई चेन में कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन हो गया, आप प्रोड्यूस करते हो, आप सप्लाई करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप स्टोर करते हो, आप सेल करते हो, राइट? आप प्राइसिंग डिटरमाइन करते हो किसकी गुड्स की सर्विसेज की, हम दोनों में से किसी की भी बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन चेन, सप्लाई चेन, जो भी आप बोला, डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट लेवल्स, ये हमारे क्या हो सकते हैं, वर्टिकल एग्रीमेंट हो सकता है। सप्लायर मैन्युफैक्चरर के बीच में, मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में, राइट? ये सारे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है, ये एक स्टेज पे काम नहीं कर रहे। मतलब ऐसा नहीं कि सारे मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके ये काम कर लिया कि हम तो इतने में ही देंगे, वो नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है? तो वर्टिकल अरेंजमेंट्स है हमारे। वर्टिकल अरेंजमेंट्स की आइडियली अगर मैं बात करूं, दे आर नॉट प्रिज्यूम्ड टू बी एंटी कॉम्पिटेटिव। इनको प्रूव करना पड़ता है कि एंटी कॉम्पिटेटिव है, बट अनडाउटेडली हम इनको प्रूव कर सकते हैं कि ये एंटी कॉम्पिटेटिव है अगर ये अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ला रहे हैं कॉम्पिटिशन पे। तो अभी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, बट उसके पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। छोटी सी बात क्या है मैम? हमारे पास बहुत सारे तरीके के वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे टाई एन अरेंजमेंट। टाई एन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? हम बांध रहे हैं किसी को। बांध कैसे रहे हैं? हमने परचेजर को बोल दिया कि हम ये कंडीशन आपको लगा दी, अगर आप ये खरीदोगे तो ही आप ये खरीद सकते हो। एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिविटी में तो बहुत सारे होते ही हैं हमारे। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। रिफ्यूजल टू डील, हमने किसी को मना कर दिया, हमने स्पेसिफिकली किसी को मना कर दिया कि हम उसके साथ नहीं काम करेंगे। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये बहुत कॉमन है, ठीक है? तो हमारे अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, ये एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे एंटी कॉम्पिटेटिव हो रहे हैं, मतलब हम स्पेसिफिकली किसी को रिफ्रेन कर रहे हैं, भाई वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब चीज कर रहा है, बट हम स्पेसिफिकली उसको मार्केट एंट्री नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली उसको रिफ्रेन कर रहे हैं। हमने मिलके उसको बैन कर दिया है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है जो सबको सप्लाई करता है, हमने उनके साथ कुछ एग्रीमेंट कर लिया, कुछ एंटी कॉम्पिटेटिव नेचर का। यूजुअली वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं, बड़े आराम से होते हैं, ना दे आर नॉट प्रिज्यूम टू बी एंटी कॉम्पिटेटिव, बट दे कैन बी एंटी कॉम्पिटेटिव अगर कुछ फैक्टर्स प्रूव हो जाए कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है। देखो ये फैक्टर्स हैं हमारे आइडियली। अगर हमें पता चल जाए कि आपके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है विच इज क्रिएटिंग अ बैरियर टू द न्यू एंट्रेंस, या फिर जो एग्जिस्टिंग वाले उनको बाहर निकाल रहा है, हिंडर कर रहे हैं एंट्री, या कंज्यूमर के हित में नहीं है, या इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं देश और पीछे जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में माना जा सकता है या उसको बोला जा सकता है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है? सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बता दिए। वी हैव द फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिटरमाइन कि हमारे पास ये एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स है या नहीं है। इसके बाद हमारी एक और चीज आती है, और वो आती है प्रिज्यूम्ड पर सी एंटी कॉम्पिटेटिव। इसमें हमारे यूजुअली क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स आते हैं, जो सेम प्रोडक्शन चेन मतलब सारे मैन्युफैक्चरर्स, सारे रिटेलर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया। अब ये क्या हो रहा है, आप सोचो
हम लोग सर्विसेज में ही, चलो मैं अपनी ही बात करती हूँ, मान लो मेरी क्लासेस कोई और पोर्टल है जो सेल करते हैं, मैंने उनके साथ एक रीसेल प्राइस मेंटेनेंस फिक्स किया, मैंने कहा कि आप मेरी क्लास इस रेट के नीचे नहीं सेल कर सकते, आपको लगता है ये जेन्युइन है क्या, इसके लिए मेरे को पकड़ के जेल में डाल देंगे? नहीं, ये तो मैम जेन्युइन से लग रहा है, ठीक है आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हो कि ये स्टैंडर्ड रेट मेंटेन हो तो आप बोल सकते हो, है ना। पर आप सोचो, हम जितने, मान लो हम जितने लॉ टीचर्स हैं, हम सबके सबने मिलके डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो 20,000 के नीचे अपनी क्लास नहीं देंगे, डू यू थिंक दिस इज हैम्परिंग कॉम्पिटिशन? अनडाउटेडली इट इज हिंडरिंग कॉम्पिटिशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव बोलेंगे। तो जनरली जब सेम चेन, प्रोडक्शन चेन में काम होता है ना, मतलब राइवल्स के बीच में, ऑल्दो हम दोनों राइवल्स हैं, बट हमारे बीच में क्या हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो गया, तो हम गुटी बना लेते हैं, हम कार्टल बना लेते हैं। कार्टल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और कार्टल की डेफिनेशन एक बार मैं आपको रिव्यू भी करा देती हूँ। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर सेलर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर, जो अपने बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट मतलब एक्शन इन कॉन्सर्ट भी हो सकता है, राइटिंग ओरल कैसा भी हो सकता है, क्या एग्रीमेंट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल और प्राइस। हम बहुत बार सुनते हैं कि भाई प्याज के एक एक रेट बढ़ गए, है ना, तो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में अनियंस आर नॉट अवेलेबल, दे आर अवेलेबल, बट उनका प्रोडक्शन लिमिट कर दिया गया है। किसने लिमिट किया भाई, एक मैन्युफैक्चरर दे देगा दूसरा लिमिट करेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर सारे के सारे मैन्युफैक्चरर मिलके कार्टल बना ले, एक ग्रुप बना ले, एक लोगों का वो बना ले, और उसके बाद वो कोशिश करें, देन दैट इज नोन एज कार्टल, एंड कार्टल्स फॉर्मिंग, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स इज नॉट अलाउड अंडर द एक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं भाई कुछ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स, जिनको हम प्रिज्यूम्ड पर्सी एंटी कॉम्पिटेटिव मानते हैं, इसमें विच डिटरमाइंस और कंट्रोल्स, और डिटरमाइंस प्राइस और लिमिट्स और कंट्रोल्स, या फिर एरिया एलोकेट करना, या फिर बिड रिगिंग। बिड रिगिंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बिड रिगिंग का मतलब क्या होता है, बिडिंग बहुत ज्यादा इंकरेज की जाती है, जैसे बिडिंग मतलब क्या होता है, ऑक्शन, नीलामी हो रही है, नीलामी हो रही है, सब लोग आए, हमने एक प्राइस कोट किया, अब किसी को अगर चाहिए तो वो क्या करेगा, उसे हाइयर प्राइस कोट करेगा, तो अब सबको प्राइस कोट करना है, किसी ने बोला 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 4 करोड़, घर बिका 5 करोड़ में। अब सबने सोचा यार एक काम करते हैं, जो जिसने 5 करोड़ में खरीदा ना, उसको तो दुख होएगा ही होएगा, यार 5 करोड़ लग गए मेरे, तो इन लोगों ने खामखा रेट बढ़ा दिया, तो उसने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया, किसके साथ, बाकी सारे बिडर्स के साथ जो आए हैं बोली लगाने, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, और उनको बोला यार एक काम कर, तो चुप रहना, मैं तो ये घर 50 लाख में ही ले लूंगा, और तुम सबको मैं 50-50 लाख अपनी तरफ से दे दूंगा। सोचो 5 और बिडर्स थे, उन सबको भी आप 50-50 लाख दे दो तो भी आपका क्या हो गया, फायदा ही होगा ना, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं देना पड़ेगा ना, 4 थे 2 थे 3 थे, आपका जितना भी हुआ इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट। तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, यार ऐसे बोली लगाएंगे, इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, ये आइडिया तो बड़ा सही है, किसी ने बोली ही नहीं लगाई, 50 लाख रुपए में उसको वो 5 करोड़ वाला घर मिल गया, तो सोचो ये क्या हो गया, बिड रिगिंग, विच इज अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इन सबको हम मानते हैं कि अगर आप आइडेंटिकल बिड सबमिट कर रहे हो, या आप ये एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बोली नहीं लगाएंगे, या फिर हम किसी आउटसाइडर बिडर को आने नहीं देंगे, ठीक है, तो इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं जो बिड रिगिंग होती है, यू आर मैनिपुलेटिंग समहाउ द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन और द प्रोसेस ऑफ बिडिंग, सो दिस इज कंसीडर्ड एज एंटी कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं विच आर इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स एंड इंक्लूडिंग ऑल दैट इज प्रिज्यूम्ड टू बी एंटी कॉम्पिटेटिव। तो ये हमको अलग से, ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स में और प्रिज्यूम्ड एंटी कॉम्पिटेटिव पॉलिसी में, राइट। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, सेक्शन नंबर 4। डोमिनेंट पोजिशन क्या होती है, आपके पास, आप डोमिनेट तभी कर पाओगे जब आपके पास पावर हो, राइट। तो आपके पास एक, आप ऐसी पोजीशन में हो ऑफ स्ट्रेंथ टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, अगर आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हो ना, तो आप डरे डरे रहोगे, यार इससे ये पंगा ले लिया तो ये बंद हो जाएगा, इससे ले लिया तो ये बंद हो जाएगा। आप अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहां पे डजेंट मैटर
व्हाट मार्केट फोर्सेस सपोर्ट यू और व्हाट मार्केट फोर्सेस डोंट सपोर्ट यू, तब आपकी पोजीशन क्या होती है, स्ट्रेंथ वाली पोजीशन होती है। और ऐसी सिचुएशन में आपकी पोजीशन को हम बोल सकते हैं डोमिनेंट पोजीशन है। डोमिनेंट पोजीशन होना गलत नहीं है, हो सकती है, बट उस डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज करना गलत है। ठीक है, एब्यूज का मतलब क्या है? अनफेयर प्राइसिंग। आप एक ऐसी पोजीशन में हो जब आपको लगता है यार मेरा तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो आपने प्राइस 10 से लेके सीधे 50 कर दिया, गलत है। प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग मतलब सेलिंग बिलो द कॉस्ट आल्सो। मतलब 10 रुपए का प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया उसको 10 में बेच रही है, आपने उसको 5 में बेच दिया। 5 में मिलेगा तो कौन 10 में जाके लेगा, बेवकूफ तो नहीं है कस्टमर्स। अब 5 में बेच बेच के आपने, बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, आपने सारे मार्केट प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद आपने वो 5 का प्रोडक्ट 50 में बेचना शुरू कर दिया। आप कोई और है ही नहीं, तो आपका ही सिक्का चलेगा। सो दिस इज ड्राइविंग आउट द मार्केट प्लेयर्स। लिमिटिंग प्रोडक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा, बैरियर टू एंट्री, यूजिंग पोजीशन टू गेन एडवांटेजेस, तो आप कहीं ना कहीं अब्यूज कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास आप अब्यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन और नॉट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट। तो पहले हम देखते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट टू मार्केट। हो सकता है यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी होल्ड है तो यहाँ पे लोग सुनते हैं, या यहाँ पे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोई एक मार्केट है जहाँ पे मेरा सिक्का चलता ही नहीं है, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट रेलिवेंट मार्केट। इट कुड बी प्रोडक्ट बेस्ड, इट कुड बी ज्योग्राफिकल बेस्ड। जैसे हो सकता है ना रिलायंस का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलता है, तो इसमें ये लोग कुछ भी करेंगे तो लोग लेंगे, तो भी लेंगे, बट उनका ये प्रोडक्ट एक फेलियर है मान लो, तो उसमें वो नहीं लेंगे, तो वो उनका प्रोडक्ट मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम रेलिवेंट मार्केट, हमारा रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट हो सकता है, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें रेलिवेंट मार्केट में देखना होता है कि हम पहले डोमिनेंट पोजिशन होल्ड कर रहे हैं या नहीं होल्ड कर रहे हैं। डोमिनेंट पोजिशन होल्ड कर रहे हैं या नहीं होल्ड कर रहे हैं मतलब हमारा कितना मार्केट शेयर है, हम कितनी बड़ी एंटरप्राइज है, हमारे और कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और उनका क्या साइज है, क्या वो भी बड़े बड़े हैं, कितना हम कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट हैं, क्या हमारा क्या मार्केट स्ट्रक्चर है। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। अगर हमारी डोमिनेंट पोजीशन है तो उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हम ये सारे काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं तो मतलब हम एब्यूज कर रहे हैं, और अगर एब्यूज होता है तो हमें पता है। आगे हम पढ़ते हैं कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको सेक्शन 19 में पावर मिलती है टू डिटरमाइन कि भाई कोई एंटरप्राइज अगर डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय कर रहा है तो डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है, एंड देयर आफ्टर अब्यूज है या नहीं है, तो वो इंक्वायरी करते हैं, देयर आफ्टर दे कैन पास दी ऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन, सेक्शन नंबर 5, राइट। कॉम्बिनेशन मतलब देखो, बड़े बड़े जो मर्जर्स होते हैं वो सारे के सारे इस हेड में आ जाते हैं। तो जब बड़ी बड़ी मर्जर्स होते हैं, मान लो दो कंपनीज अगर मर्ज हो रही है बहुत बड़ी बड़ी, तो हमें कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस देखना होता है, लिस्टेड कंपनीज ऐसे भी के कंप्लायंसेस देखने होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्ट में हमें कंप्लायंसेस देखने होते हैं। वैसे ही हम कॉम्पिटिशन में भी कंप्लायंसेस देखते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके इस बड़े बड़े मर्जर से कॉम्पिटिशन इफेक्ट हो, तो आपका ये क्योंकि आप मोनोपोली क्रिएट कर लोगे ना, दो बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स थे, अच्छा कॉम्पिटिशन एक दूसरे को दे रहे थे। टेलीकॉम सेक्टर मान लो दो लोग थे, अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे थे, इसने रेट गिराया उसने रेट गिराया, सब मिलके एक हो गए, सबने रेट बढ़ा दिए, तो हमारे लिए बड़ा बुरा हो सकता है ना। तो किन ग्राउंड्स पे क्या कैसे हो रहा है, इसको अप्रूव करेगी गवर्नमेंट तभी होगा। बट कॉम्बिनेशन मतलब ये नहीं है कि हर मर्जर को अप्रूवल चाहिए होता है। हम देखते हैं आप एक्वायर कर सकते हो शेयर्स, एसेट्स या कंट्रोल, राइट, बट इफ दैट एक्सीड्स अ गिवन थ्रेशहोल्ड। तो हमारे पास बड़ा लंबा सारा कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसकी एक थ्रेशहोल्ड समरी मैंने आपको पढ़ाई थी, आई होप यू ऑल हैव दैट, राइट नाउ आई डोंट हैव इट विद मी, राइट। बट हमको क्या करना है, उस थ्रेशहोल्ड समरी में देखना है कि अगर हमारा जो एक्विजिशन हो रहा है उस थ्रेशहोल्ड से एक्सीड कर रहा है तो हम उसको कॉम्बिनेशन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर वो कॉम्बिनेशन है देन सेक्शन 6 रेगुलेट्स द कॉम्बिनेशन। एंड कोई भी पर्सन, पहली बात तो ऐसे कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं कर सकता है विच इज कॉजिंग और विच इज लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इन कॉम्पिटिशन। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करना होता है, CCI को अप्रूवल चाहिए होता है। अगर 210 डेज पास हो गए और CCI ने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो हम मान लेते हैं दैट इट इज डीम्ड अप्रूवल, राइट, अदरवाइज यू नीड टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ CCI।
सो यहाँ पे हमारे पास है कोई भी पर्सन अगर कॉम्बिनेशन में एंटर कर रहा है तो उसको पहले बोर्ड अप्रूवल विद इन 30 डेज सबमिट अप्रूवल टू सीसीआई. अगर उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला विद इन द स्टिप्युलेटेड टाइम देन इट इज डीम्ड एज एक्सेप्टेंस और विद इन 210 डेज वैसे रिप्लाई मिल जाता है. तो रिप्लाई में अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना. ठीक है, चल इसके बाद हम आते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. भाई क्या होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सेक्शन 7 में स्टैब्लिश होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, दैट इज गोइंग टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. अब सवाल ये उठता है कि इसमें सबसे पहली बात कॉम्पोजिशन कौन होगा? चेयरपर्सन मिनिमम 2 members, मैक्सिमम 6 members. अगर चेयरपर्सन नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा वो चेयरपर्सन का काम करेगा. दिस टू बी अपॉइंटेड ऑन होल टाइम बेसिस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पैनल मेंटेन बाय द सिलेक्शन कमिटी. कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं? 5 साल के लिए. 65 years अगर अटेन कर लेंगे तो दे हैव टू रिटायर. ठीक है, एंड दे हैव टू टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी. मतलब वो दोनों ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे एंड सीक्रेसी मेंटेन करेंगे बिफोर एंटरिंग द ऑफिस. राइट, तो ये हो गई हमारी कॉम्पोजिशन की बात. इनके पास पावर्स क्या होते हैं? इंक्वायरी करने के, कुछ ऑर्डर्स पास करने के एंड ऑल्सो सम मिसलेनियस पावर्स. राइट, इनके मीटिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं. इनकी ड्यूटीज हमें सेक्शन 18 में मिलती है, मीटिंग सेक्शन 22 में मिलती है. हेड ऑफिस दिल्ली में होगा एंड अदर प्लेसेस पे भी ऑफिस हो सकते हैं. इसके बाद बात आती है टर्मिनेशन की. भाई एक बार हमने ज्वाइन कर लिया क्यों तो सदा के लिए होगा? LIC थोड़ा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. भाई कभी ना कभी आप चाहो तो आप रिजाइन कर सकते हो. कैसे रिजाइन करोगे? CG को राइटिंग में नोटिस देके. CG हो सकता है आपको परमिट कर दे कि जाओ तो आप चले जाओगे, और नहीं तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है. उसके पहले अगर CG ने बोल दिया, जैसे हम एक नॉर्मल ऑफिस में काम करते हैं वैसे ही होता है. नाउ यू कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड. कब? अगर आपने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, अगर आपने अपनी पोजिशन को अब्यूज किया. राइट, अगर आप कहीं और एम्प्लॉयड हो, इनसॉल्वेंसी, इनकैपेबिलिटी या ऑफेंस, तो इन ग्राउंड्स पे क्या हो सकता है? आपका रिमूवल हो सकता है. ठीक है, आपका रिमूवल हो सकता है. ठीक है, देन यू विल बी रिमूव्ड. एंड अगर जस्ट अ सेकेंड, अगर हमारा ये वाला केस होता है, अगर आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया होता है या फिर अपनी एब्यूज किया होता है डोमिनेंट पोजीशन को, जैसे मैंने आपको समझाया और हमने शॉर्ट में इसको लिखा भी था. हाउएवर इन केस ऑफ ए, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस देता है टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद रिमूवल होता है. ठीक है, तो बाकी चीजें क्या है? प्राइमा फेसी दिखती हैं, बट एब्यूज किसी ने की है पोजीशन या आपको प्रूफ करना पड़ेगा. तो पहले कोर्ट इंक्वायरी करता है और उसके बाद ये चीज होती है. ठीक है, इंप्लॉयमेंट अगर आप इसके मेंबर हो तो कहीं और अलाउड नहीं है. आफ्टर टर्मिनेशन, मतलब जब आप नहीं रहे तो इन कनेक्शन विद एनी प्रायर पार्टी, जो सीसीआई के सामने पार्टी रही है, 2 साल तक अलाउड नहीं है, अदर्स अलाउड है. इसके बाद आती है हमारी बात मीटिंग्स की. और भी हमारे पास छोटे छोटे सेक्शन है कि क्या क्या काम करते हैं. अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं कि भाई कमीशन क्या क्या करता है, तो इट एलिमिनेट्स द प्रैक्टिसेस व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर के हित में काम करते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करते हैं. जो एक्चुअली हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कॉम्पिटिशन एक्ट के, वही इनकी ड्यूटीज भी बन जाती हैं. मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एज प्रिस्क्राइब. कोरम 3 members, चेयरपर्सन जो होता है वो प्रिसाइड करता है ओवर द मीटिंग. डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता है, चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट होता है. अगर चेयरपर्सन प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर क्या करता है? प्रिसाइड करता है. Then comes your inquiry into certain agreements and dominant position. Again, an important section, section number 19. ये हमारे इस act का एक important section रहता है. ठीक है, अब यहाँ पे भाई क्या क्या चीजें देखी जाती है. सबसे पहले appreciable adverse effect. Commission determine कर सकती है कि क्या किसी agreement में appreciable adverse effect है या नहीं है. फैक्टर्स क्या होंगे? वही फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंस, ड्राइविंग आउट एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, राइट, क्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन, सब चीजें जो हमने पढ़ी. डोमिनेंट पोजिशन डिटरमाइन करना,
अगेन ऑन द सेम फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े कि डोमिनेंट पोजिशन है या नहीं है. डोमिनेंट पोजिशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेलिवेंट मार्केट, सो वी ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द रेलिवेंट मार्केट. और अगर डोमिनेंट पोजिशन है तो क्या उसकी अब्यूज हो रही है या नहीं हो रही है. तो सेक्शन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स नहीं करना है. सेक्शन 4 में पढ़ा था कि डोमिनेंट पोजिशन को अब्यूज नहीं करना है. तो अगर उनको रेफरेंस दी जाती है, उनको कोई नॉलेज मिलती है, तो सीसीआई के पास पावर है कि वो इंक्वायर कर सकते हैं कीपिंग इन फैक्टर्स एंड दे कैन पास ऑर्डर्स. ठीक है, राइट. ओके, फिर हमारे पास एक चीज और आती है, वो आती है इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन. इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन. अच्छा, ये हमारी बाद में है. अभी ऑर्डर्स भी मैंने बताए हैं. चलो चलो, प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी यू पर हमने इंक्वायरी पढ़ी है ये कैसे होती है. ये सेक्शन नंबर 26 में आइडियली हमको दिया हुआ है कि कभी भी अगर सीसीआई को किसी ने इंटीमेट किया, रेफरेंस मिली, तो वो क्या करेंगे. अगर उनको लगता है कि भाई प्राइमा फेसी केस है, तो वो डायरेक्टर जनरल को डायरेक्ट करेंगे कि आप एक रिपोर्ट बनाइए और पार्टीज कंसर्न्ड को फॉरवर्ड करिए. ठीक है, अगर उसमें भी आता है कि हाँ कॉन्ट्रावेंशन है, तो फिर फर्दर इंक्वायरी होती है. अगर उसमें आता है कि कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई स्टैचुटरी अथॉरिटी ने रेफरेंस दी थी, तो उनके कमेंट्स को बुलाया जाता है कि आपने ऐसी रेफरेंस क्यों दी, हमें तो लग रहा है, हमें प्राइमा फेसी लगा कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो हमने अपने डायरेक्टर जनरल को बोला और उनकी रिपोर्ट में कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं आ रहा है, वो रिकमेंड नहीं कर रहे, तो आपने ऐसा क्यों बोला था. उनके कॉमेंट्स के बेसिस पे अगर फिर लगता है तो दे विल प्रोसीड विद द रेफरेंस, अगर नहीं लगता है तो रेफरेंस रिटर्न कर देंगे. और अगर किसी और ने आया था तो बस एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और उसके बाद वो डिसमिस कर देते हैं. ठीक है, तो ये जनरल चीजें हैं. इंक्वायरी करने के बाद अगर ये डिसाइड किया कि यस एंटी कॉम्पिटिटिव है या फिर डोमिनेंट पोजिशन अब्यूज हो रही है, मैम सिर्फ इन दोनों की बात क्यों करें, कॉम्बिनेशन की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास अलग सेक्शन दिया हुआ है. तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या किया जाएगा, ऑर्डर्स पास कर दिए जाते हैं. कौन कौन से ऑर्डर्स? डिसकंटिन्यू एंड नॉट टू री एंटर, पेनाल्टी इम्पोज, मॉडिफाई करना कोई एग्रीमेंट या फिर ऑर्डर जो उनको ठीक लगे, डोमिनेंट एंटरप्राइज को डिवाइड कर देना, कार्टेल अगर आपने बनाया तो जो भी है उतनी पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है, 3 times ऑफ प्रॉफिट या 10% ऑफ टर्न ओवर, विच एवर इज हायर, अदरवाइज मैक्सिमम 10% ऑफ टर्न ओवर ऑन ईच पर्सन. ठीक है, नाउ वी कम टू कॉम्बिनेशंस. प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इन टू कॉम्बिनेशंस, कमीशन को अपना खुद की नॉलेज पे पता चला या उनके पास कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, कि ये मर्जर हुआ है, ये अमालगमेशन हुआ है, एंड दैट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड, और हमारी परमिशन के बना हुआ है, तो एक साल के अंदर अंदर अगर उनको लगता है कि भाई प्राइमा फेसी ये तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक शो कॉज नोटिस देते हैं पार्टीज को कि आप 30 days के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कीजिए कि आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन क्यों ना किया जाए. ओके, आफ्टर रिसीट ऑफ द रिस्पॉन्स विद इन 7 days वो पार्टीज को डायरेक्ट करते हैं कि आप पब्लिश डिटेल्स को पब्लिश कीजिए विद इन 10 working days एंड ऑल्सो रेफर टू डीजी एंड आस्क फॉर द रिपोर्ट, जो हमने ऊपर डायरेक्टर जनरल पढ़ा था, राइट. अब आफ्टर दैट इन्विटेशन टू फाइल ऑब्जेक्शन, जब ये पब्लिश हुआ तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन फाइल द ऑब्जेक्शन एंड विद इन 15 days सीसीआई मे ऑल्सो आस्क फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. विद इन 15 days पार्टीज आर रिक्वायर टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. विद इन 45 days सीसीआई क्या करती है, ऑर्डर्स पास करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 31. कौन से ऑर्डर्स होते हैं मैम? हो सकता है वो आपके कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर दे, रिजेक्ट कर दे या मॉडिफाई करे. ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन होता है तो मॉडिफिकेशन हो सकता है पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो तो कॉम्बिनेशन होता है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है. ठीक है, हो सकता है पार्टीज उसके बाद फिर कुछ अमेंडमेंट सबमिट करें कि नहीं हम ऐसा चाहते हैं, और उसके बाद कमीशन एग्री कर जाएगी और अप्रूव कर देगी तो कॉम्बिनेशन होगा. अगर कमीशन डिसएग्री करेगी तो आपको 30 दिन दिए जाएंगे कि उन्होंने जो ओरिजिनल मॉडिफिकेशन आपको दिया था आप उसको एक्सेप्ट कर लो. अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अप्रूव होगा, अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो हम मान लेंगे कि ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड. ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन मिली कि कहीं कोई मर्जर हुआ है हमारी परमिशन के बिना, पर
अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट उन कॉम्पिटिशन नहीं लेके आ रहा है तो जो उनको ऑर्डर उचित लगेगा पेनाल्टी वगैरह इम्पोज कर सकते हैं कि आपने बिना परमिशन के कैसे ऐसा कर दिया। बस उतनी ही चीजें होंगी और उतना ही काम होगा एंड इट विल बी डन राइट। तो ये क्या था हमारा आइडियली हमारा प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन है। अब ड्यूरिंग इंक्वायरी कमीशन के पास पावर्स होती है कि भाई वो कुछ इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। आपके पास पावर हो सकती होती है कि आप इन पर्सन अपीयर होना चाहें कमीशन के सामने तो इन पर्सन हो सकते हैं, किसी की हेल्प लेना चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। कमीशन के पास पावर है कि वो अपना खुद का प्रोसीजर रेगुलेट करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी बाउंड बाय द सीपीसी राइट। दे कैन ऑल्सो रेक्टिफाई द ऑर्डर एंड इसमें हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट में कई सारी पेनाल्टीज आती हैं, सेक्शन 43, 43A, 44, 42, तो वो सारी पेनाल्टीज अनडाउटेडली आपको देखनी है। सेक्शन 46 में हमारे पास एक ये भी ऑप्शन रहता है कि पावर टू इम्पोज लेसर पेनाल्टी। अगर कॉन्ट्रावेंशन कंपनी करती है तो फिर हम किसको लायबल ठहराएंगे, दैट इज गिवन इन ऑलमोस्ट एवरी एक्ट। तो हमारे पास वो चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आता है हमारा एक सेक्शन नंबर 49 जिसमें कॉम्पिटिशन एडवोकेसी की बात की गई है। कॉम्पिटिशन एडवोकेसी का मतलब क्या है, हम पॉलिसीज बना रहे हैं, मान लो पॉलिसीज कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन से जुड़ी हुई कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रेफर करती है सीसीआई को। सीसीआई विद इन 60 डेज अपना ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो ओपिनियन इज ओनली रिकमेंडेटरी, इट्स नॉट गोइंग टू बाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट राइट। ओके फाइन, देयर आफ्टर वी हैव कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है, एक फंड कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसके अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, जिसका ऑडिट कराना होता है, एंड देन वी हैव एन अपील प्रोसीजर। भाई सीसीआई के ऑर्डर से अगर खुश नहीं हो तो कैट के पास चले जाओ, उनके ऑर्डर से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। ये हमारा 3-way प्रोसेस है, 60 डेज 60 डेज ठीक है। अब जो कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है, आइडियली दिस हैज नाउ बिकम एनसीएलएटी। तो हमारे पास जमाने से ये है नहीं, हमारा ये क्या हो गया, एनसीएलएटी ने इनके पावर्स को ओवर पावर कर लिया है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल ही है। इनकी कॉम्पोजिशन चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 2 members। आइडियली ये क्वेश्चन आपसे पूछने ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि अब हम एनसीएलएटी के पास ही जाते हैं फॉर दिस पर्पस। देर विल बी पर्सन्स ऑफ, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करा रही हूँ, बट फिर भी आपको एग्जामिनेशन के लिए इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। और उसके बाद हमारे पास आता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट के 60 डेज के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो राइट। रेस्ट वी हैव की पावर है टू मेक रूल्स, टू मेक रेगुलेशंस, तो सीसीआई ये सब काम कर सकता है राइट। चलो